अभी हम क्या देख रहे हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मतलब क्या, दूसरी भाषा में मोशन विथ मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अभी हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, या दूसरी भाषा में क्या, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। कौन सा मोशन होगा ये? ये एक ऐसा मोशन है जिसमें बॉडी का एक्सीलरेशन क्या रखा गया है, ये एक ऐसा मोशन है इन विच एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी हैज बीन कैप्ट कॉन्स्टेंट। एक ऐसा मोशन है जिसमें बॉडी का एक्सीलरेशन कॉन्स्टेंट है। अब एक्सीलरेशन अगर कॉन्स्टेंट है तो क्या कहानी होगी? एक्सीलरेशन अगर कॉन्स्टेंट है तो वेलोसिटी जीरो होगी। वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है ना भैया, वेलोसिटी बढ़ती हुई भी हो सकती है, घटती हुई भी हो सकती है, कॉन्स्टेंट भी हो सकती है। समझ रहे हो? यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है तो एक्सीलरेशन क्या रहेगा? कॉन्स्टेंट। क्लियर? बोलो। इट इज अ मोशन इन विच एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। लिख लो, इन दिस मोशन एक्सीलरेशन रिमेन्स कॉन्स्टेंट। एक्सीलरेशन क्या रहेगा भैया? कॉन्स्टेंट रहेगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लिखो। विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल है? एक्सेलरेशन क्या है? कॉन्स्टेंट है। चलो, ए में कॉन्स्टेंट है क्या? क्यों नहीं है? कैसे जो बोल रहे हैं वो कैसे बोल रहे हैं, कैसे है? तो टी की अलग अलग वैल्यू रखने पर एक्सीलरेशन की वैल्यू सेम आ रही है क्या? वही तो बात है बेटा, टाइम अलग अलग रखते जाओगे तुम और एक्सीलरेशन की वैल्यू अलग अलग आएगी। टी गोज़ टू 1 सेकंड पे कुछ, 2 सेकंड पे कुछ, 3 सेकंड पे कुछ, -1 सेकंड पे कुछ। टी की वैल्यू को चेंज करोगे मयंक तो क्या होगा? बोलो। टी की वैल्यू को चेंज करने से एक्सीलरेशन चेंज हो रहा है। ठीक है, बोलो ना। मैंने टी की वैल्यू 1 पुट करी, कुछ आया 0 पुट करी, कुछ आया 1, 2 पुट करी, कुछ आया। एक्सीलरेशन टाइम पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। चलो बी में बोलो। बी में क्या है? बी में अपन कैसे करेंगे? सीधी सीधी बात है, इसके लिए तुम क्या करो, तुम एक्सीलरेशन निकालो इसको डिफरेंशिएशन करके। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो टी का 1 और 5 का 0, सॉल्व करा क्या आया? ये कौन सा नंबर है? अब टाइम पर डिपेंड कर रहा है क्या एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन टाइम पर डिपेंड कर रहा है क्या? वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड कर रही है बेटा, मैं पूछ रहा हूँ एक्सीलरेशन। यहाँ देखो ना, एक्सीलरेशन कैसे आता है? वेलोसिटी को डिफरेंशिएशन करके। अभी तुमने वेलोसिटी को डिफरेंशिएशन किया तो एक्सीलरेशन क्या आया?
क्या ये एक्सेलरेशन टाइम पर डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा। नहीं कर रहा मतलब ये कौन सा है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। बोलो पर वो तरीका सही नहीं होगा बेटा, वो छोटी क्लास का तरीका, आप बड़ी क्लास में आ गए तुम, ठीक है, वो तरीका सही नहीं कहलाएगा। आई बात समझ में? क्योंकि अब जो मैं वो तरीका तुम्हें बता रहा हूँ, देखो वो सी में तुम्हें डिस्प्लेसमेंट की क्वेश्चन दे रखी है, सी में तुम्हें किसकी क्वेश्चन दे रखी है। अब इससे एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? पहले इसको डिफरेंशिएशन करो। इसको डिफरेंशिएशन किया तो क्या आया? टेन टी माइनस सिक्स प्लस ये, पर ये अभी वेलासिटी आई है। अभी इससे एक्सेलरेशन निकालो। एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा? टी का वन कितना आया? ये कॉन्स्टेंट आया, आया कि नहीं? तो ये क्या होगा? एक्सेलरेशन टाइम पर डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। तो ये यूनिफॉर्मली है, टाइम के साथ साथ में चेंज हो रहा है। टाइम एक्सीलरेशन अगर टाइम पर डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब टाइम के साथ साथ वो चेंज हो रहा है। टाइम चेंज हो रहा है कि नहीं लगातार? मैंने आपसे जितनी देर बात करी उतनी देर में टाइम चेंज हुआ कि नहीं? तो उतनी देर में फिर एक्सीलरेशन भी चेंज हो गया। यहाँ एक्सीलरेशन क्या हुआ? एक्सीलरेशन के फार्मूले में अगर टी लिखा हुआ है क्या? एक्सीलरेशन के फार्मूले में टी कहीं लिखा हुआ नहीं आया, मतलब एक्सीलरेशन टाइम पर डिपेंड एक्सेलरेशन टाइम पर डिपेंड कर रहा है क्या? तो एक्सेलरेशन अगर टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब हर टाइम एक्सेलरेशन सेम आ रहा है। अब जब एक्सेलरेशन हर बार सेम आ रहा है, मतलब वो कौन सा एक्सेलरेशन? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। बोलो ठीक है। चलो अभी कौन सा ये हो गया। अब मैं निकालता हूँ डी। डी में वेलासिटी क्या है? तो एक्सेलरेशन क्या होगा? डी वी अपॉन डी टी, जो कि कॉन्स्टेंट आ रहा है। कॉन्स्टेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक्सेलरेशन टाइम पर डिपेंड कर रहा है क्या? एक्सेलरेशन टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो ये कौन सा होगा? यूनिफॉर्मली होगा। बोलो चलो ई और एफ के लिए करो। वैसे ही बहुत बढ़िया, शाबाश। ई में क्या होगा? वेलासिटी कैसे निकलेगी? इसको डिफरेंशिएशन करा, 18t² माइनस 14t, ये वेलासिटी आई। फिर एक्सेलरेशन कैसे आएगा? थर्टी सिक्स टी माइनस 14। बताओ ये टाइम पर डिपेंड कर रहा है? टी आ रहा है कि नहीं आ रहा लिखा हुआ? मतलब ये टाइम पर डिपेंड कर रहा है। सो दिस इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और यहाँ एक ही फार्मूला जो तुमको दे रखा है उसमें क्या टाइम लिखा हुआ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है? यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है। बोलो समझ में आई बात? तो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन क्या होता है? जिसमें एक्सीलरेशन क्या बना रहता है? कॉन्स्टेंट बना रहता है, अर्थात एक्सीलरेशन टाइम पर डिपेंड नहीं करता। अगर एक्सीलरेशन कॉन्स्टेंट बना हुआ है, एक्सीलरेशन टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो फिर वो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन होगा। अगर एक्सीलरेशन टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है तो यूनिफॉर्मली और अगर टाइम के साथ साथ एक्सेलरेशन में चेंज आ रहा है, भाई यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब होता है एक कांस्टेंट रहना चाहिए। एक क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट बना रहना चाहिए। अब यहाँ एक कांस्टेंट, क्योंकि ए टी को चेंज करूँगा तो एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। यहाँ ए समझ रहे हो मेरी बात को? ये तो एक ऐसा केस हो गया जो यूनिफॉर्म मोशन का ही केस हो गया ये, क्योंकि यहाँ वेलासिटी कॉन्स्टेंट है। बोलो
ठीक है। और इसमें यूनिफॉर्मली एक्सीलरेशन मोशन नहीं है, इसमें है, नहीं रहना दीजिए, समझ गए, कर लो। तो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन वो भी यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड होता है। बॉल को मैंने फेंका, तुम तक पहुंची बॉल, तो ऐसा पाथ फॉलो करती हो, प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे ना हम। सुनो, तो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन में एक ही वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, दैट मे बी समवट के, और v जो रहेगा v वो कैसा रहेगा मालूम है, v का एक्सप्रेशन रहेगा कुछ at प्लस b करके, a और b यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स हैं, a और b क्या है यहाँ पर, मतलब दैट वुड बी समवट, क्या बोल सकते हो इसको, कि अगर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है सो दैट मस्ट बी अ लीनियर इक्वेशन इन t, वो t में क्या रहेगी, एक लीनियर इक्वेशन रहेगी, बोलो नहीं आया समझ में, वेलासिटी का एक्सप्रेशन कैसा आ रहा है, ये देखो ये यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का एग्जांपल था कि नहीं था, इसमें वेलासिटी का एक्सप्रेशन जो आ रहा है वो लीनियर इक्वेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये लीनियर इक्वेशन कहलाती है, तुम्हें पता होगा ये कौन सी इक्वेशन है, लीनियर है। अच्छा ये कौन सी कहलाती है, ये क्यूबिक, जानते हो दिस इज लीनियर, लीनियर क्वाड्रेटिक, ये क्यूबिक, बोलो। तो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन में एक्सीलरेशन होता है कुछ ऐसा, वेलोसिटी होती है लीनियर इक्वेशन, और डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन होती है वो कैसी होती है, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, बोलो। यहाँ ए बी सी क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं, तो ये क्या होगी, तो जो तुम्हारे पास में एक्सीलरेशन है वो ऐसा कुछ कॉन्स्टेंट आएगा, कुछ भी उस कॉन्स्टेंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 5√5 -3 0, और वेलोसिटी की जो इक्वेशन आएगी वो कैसी बनेगी, एक और डिस्प्लेसमेंट की क्वाड्रेटिक, बोलो। बस कुछ नहीं है, तुम्हें समझाया मैंने यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन में कैसा रहेगा, अभी अपना वो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन ही चल रहा है, अभी अपने आने वाले लेक्चर में भी यही चलेगा, फिर वो कुछ भी हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है वो। हाँ बोलो। मोशन रिवर्स का करता है, रिवर्स करना मतलब एग्जैक्टली रिवर्स आना, ऐसे जाके फिर आना वो रिवर्स ही ना कहलाएगा, तुम ऐसे गए और ऐसे से ऐसे आए, लेकिन उसमें तुम ऐसे जा रहे हो तो वो रिवर्स थोड़ी ना कहला रहा है वो, भाई तुम ऐसे 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 आए बेटा, तो वो तुम अगर मेरी बात सुनो, रिवर्स का मतलब क्या होता है, तुम ऐसे गए और फिर वापस ऐसे आए, ये रिवर्स कहलाता है। अब तुम ऐसे गए और ऐसे आ गए तो ये रिवर्स थोड़ी ना कहलाएगा, ये कहीं पर भी रिवर्स कहाँ करा उसने, वो ऐसे गई, ऐसे डायरेक्शन चेंज करना और रिवर्स मारना, भाई तुम कार को ऐसे से ऐसे मोड़ो ना, यू टर्न लो ना, अपन यू टर्न लेते हैं, तो यू टर्न लेते तो अपन वेलोसिटी जीरो का करते हैं, यू टर्न इज नॉट, उसी पाथ पर रिवर्स कर लिया, वो रिवर्स गियर लगाना पड़ा उसके लिए, यू टर्न लेते थे तुम्हें रिवर्स गियर थोड़ी ना लगाना पड़ा, तुम थोड़ा सा टिल्टेड हुए, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन में एक्सीलरेशन की वैल्यू कुछ कॉन्स्टेंट होगी, वेलोसिटी जो होगा दैट वुड बी अ लीनियर इक्वेशन इन टी, एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट जो होगा दैट वुड बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टी, बोलो।